हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विकास कुमार आपको स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल भारत टेक टिप्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप पुराने से पुराने कॉल डिटेल्स कैसे निकालें किसी भी मोबाइल से। जी हां दोस्तों, कभी कभी आपको पुराने से पुराने कॉल डिटेल्स ज़रूरत पड़ जाता है, और आपका फैमिली मेम्बर का हो या आपका गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का या आपका अपना हो, किसी का भी कॉल डिटेल्स आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ जाता है। उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं, एक साल का हो, दो साल का हो, चाहे पाँच साल का हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज मैं आपको बता दूंगा कि आप कैसे आपका कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। स्किप करोगे तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा। ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, लास्ट में बताऊंगा। प्लीज फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, फिर ओपन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको नीचे वाला क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेंड्स। आपको यहाँ सेकेंड ऑप्शन जेनरल कॉल लॉग्स, जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह नया पेज खोल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। कॉल लॉग डिटेल्स, ओनली डायल कॉल, ओनली रिसीव कॉल्स, ओनली मिस्ड कॉल्स। आप किस तरह कॉल डिटेल्स निकालना चाहते हो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि आप डायल कॉल चाहते हो तो यहाँ डायल कॉल पे क्लिक कर लेना है, नहीं तो रिसीव कॉल पे क्लिक करना है। आपको रिसीव कॉल चाहिए तो, नहीं तो मिस्ड कॉल चाहिए तो मिस्ड कॉल पे क्लिक करना है। ओवरऑल मुझे तो हर कॉल चाहिए, तो इसीलिए मैं कॉल लॉग डिटेल्स पे क्लिक कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्लिक कर दिया। फिर आपको यहाँ पीडीएफ फाइल का नाम चूज कर लेना है, कुछ भी नाम डाल दीजिए। मैं जैसे डाल देता हूँ कॉल डिटेल्स। देखिए फ्रेंड्स, कॉल डिटेल्स लिख दिया। फिर आपको एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर लेना है। इसका नीचे जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स, क्लिक करने के बाद कुछ टाइम तक प्रोसेसिंग चलेगा, फिर आपका सामने आपका कॉल डिटेल्स निकल के आ जाएगा, पुराने से पुराने कॉल डिटेल्स का है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप पुराने से पुराने कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। किसी का भी, आपका फैमिली मेंबर हो या आपका गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, किसी का भी कॉल डिटेल्स चेक करना चाहते हो तो इस तरह आपको कॉल डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं इस एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन नाम E2PDF। जी हाँ दोस्तों, E2PDF, और ये क्रोम ब्राउजर पे आपको सर्च कर लेना है E2PDF, और ये जो पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया, प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।